मेरा सवाल ये है कि बहसीत अहमदी मुसलमान मैंने जर्मनी में रहते हुए देखा है कि जर्मन बाशिंदे इंटीग्रेशन पर बहुत जोर देते हैं और जर्मन ज़ुबान में महारत को ही इंटीग्रेशन का एक बुनियादी पहलू समझा जाता है जबकि हजूर अक्दस आपने अपने खिताब में फरमाया था कि इंटीग्रेशन महज ज़ुबान सीखने तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्की कवायद ववानीन की पाबंदी करने जैसे कई अहम पहलुओं पर मुहीत है क्या हज़ूर अकदस बाज ऐसे निकात बता सकते हैं जो मैं यहाँ के बाशिंदों को ख़ास तौर पर अपने साथ जो काम करते हैं उनको आ, या जिनको मैं जानता हूँ बता बताकर समझा सकूँ कि महज मुल्की ज़ुबान की महारत हासिल होने से ही लाजमी तौर पर इंटीग्रेशन के मैार का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए पहली बात तो आपकी पहली ग़लत है कि महारत हासिल करना जुबान आना और महारत हासिल करने में बड़ा फ़र्क है लोकल जर्मन लोग जो हैं यहाँ पले बड़े जो हैं मुकामी जर्मन जो हैं उनको अपनी जबान में महारत नहीं है तो आपको कहाँ से आपको उर्दू पे कब महारत है ठीक है इसलिए महारत बिल्कुल चीज़ है ये यहाँ ये ज़रूर वो कहते हैं कि हाँ तुम कम अज़ कम इतना तो तुम्हें आना चाहिए कि तुम अपना मुदा बयान कर सको कई जज जो हैं यहाँ के जो कोर्ट में केसेज जाते हैं एम के सलम के वो उनसे एक दो लफज पूछते हैं कि तुम जर्मन ज़ुबान का कोई फिकरा ही बोल दो अगर कोई फ़िकरा बोल दे या दो सवाल ही कर दे जवाब दे देना दे जर्मन में तो कहते हैं हाँ चलो तुमने कोशिश तो की ना सीखने की तो वो उनके केस उन्होंने पास कर दिए इसलिए हर जगह असूल एक नहीं है कि ज़रूर वहाँ बादज लोग भी हैं जो कहते हैं तुम्हें जुबान नहीं आती तुमने इस मतलब का इस लफ्ज़ का मतलब नहीं आता उसका मतलब नहीं आता इसका इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं आता ये फिकरा तुमने सही नहीं बनाया बाद होंगे ऐसे केसेस भी हैं लेकिन अमूमी तौर पर थोड़ा बहुत टूटी फूटी जर्मन भी जिनको आती है ना उनको लोग कहते हैं वाह कमाल हो गया तुम जर्मन बोल लेते हो वो इसी बात को खुश हो जाते हैं ठीक है एक कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि आप जब यहाँ आए हैं इस मुल्क में आए हैं रहने के लिए तो वहाँ की ज़ुबान तो सीखें ज़ुबान सीखेंगे तो अपना जहाँ मुद्दा बयान करेंगे वहाँ आपके लिए तबलीग के मैदान खुलेंगे तबलीग के लिए भी तो आपको ज़रूरी है कि उस जगह की ज़ुबान आनी चाहिए ये तो ठीक है अपनी जगह लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि ज़ुबान ना सीखो और बाकी काम बहुत सारे हैं मैंने कहा था कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है हाँ ज़ुबान भी आनी चाहिए लेकिन इंटीग्रेशन ये भी है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं हम बाहर से आए हैं इस मुल्क की ज़ुबान सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं और इस मुल्क के कानून और कवायद की पाबंदी भी करते हैं और इसके लिए हम यहाँ आकर अपना इलम बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ताकि हम उस मुल्क की खिदमत कर सकें तो एक शख्स जो जर्मन है और यहाँ रहता है और उसको ज़ुबान बड़ी अच्छी आती है और मुल्क के कानून को की पासदारी नहीं कर रहा और उसको तोड़ता है तो उस वो बावजूद जर्मन कहलाने के, के वो मुल्क के लिए फ़ायदा नहीं है लेकिन मैं अगर मुझे जर्मन ज़ुबान के दो चार लफ्ज आते हैं या टूटी फूटी जर्मन जबान आती है सही तरह मैं अभी नहीं बयान कर सकता क्योंकि मैं नया आया हूँ लेकिन हुबुलवतनी मिनामान के लिहाज से जो मेरे अंदर जज्बात हैं मुल्क की ख़िदमत करने के हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्क कौम की खिदमत करूँ और लोगों का ममनूने आसान हो जाऊँ जिन्होंने मुझे जहाँ रहने के लिए जगह दी और मैं उनकी खिदमत भी करूँ तो ये इंटीग्रेशन है इनको बताओ कि ज़ुबान सीखने के लिए मुझे वक्त चाहिए वो मैं सीख रहा हूँ हाँ लेकिन इसके अलावा मेरे अंदर जो मेरी तलीम है वो मुझे ये कहती है कि तुमने वतन से मोहब्बत करनी है और वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं मुल्क के जो कानून हैं उनकी पासदारी करूँ और मुल्क से मुहबत का तकाजा ये है कि मुल्क की बेहतरी के लिए मैं जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं उनको मैं बुरुएक लाऊँ पर काम करूँ मुल्क से मुहबत का तकाजा ये है कि मैं जिस हद तक मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकता हूं उसको पहुंचाऊं तो ये चीज़ें जब आप बताएंगे लोगों को तो उनको समझ आ जाती है और सत्तर अस्सी बल्कि नब्बे फ़ीसद लोग समझ जाते हैं इसको बाकी कुछ समझ ना समझने वाले भी होते हैं ज़रूरी तो नहीं अब सौ फ़ीसद को नहीं अब किसी को कायल कर सकते दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि जो सोशल ताल्लुक हैं उनमें सौ फीसद नंबर आप हासिल कर लें ठीक है थे. आप ज़ुबान सीखें ज़ुबान सीखने के साथ बाकी बातें भी करें मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि ज़ुबान सीखना कोई ज़रूरी नहीं है ये ज़रूर अबतः मैंने हर जगह कहता हूँ जो मुझे जहाँ तक याद है कि इंटीग्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि मैं उनके जो रवायात हैं उन पर अमल नहीं करता मैं शराब नहीं पीता मैं क्लब में नहीं जाता मैं औरत से मुसाफा नहीं करता या औरत मर्द से मुसाफा नहीं करती इंटीग्रेशन ये नहीं है इंटीग्रेशन ये है कि मुल्क की बेहतरी के लिए मैं जो कुछ मेरी सलाहियत है मैं उनको बुरू कार ला रहा हूँ और मेरे अच्छे अखलाक हैं मैं हर जर्मन मर्द हो या औरत उसकी बेहतरी के लिए और उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करता हूँ और इसके साथ साथ जो ज़ुबान सीखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो भी अगर सीख सकता हूँ तो सीख रहा हूँ मैं तो बुराइयाँ की हैं तो उन बातों की किए हैं जहाँ इनकी बुराइयाँ थीं कि क्लब में जाना डांस करना या नंगे लिबास पहनना इंटीग्रेशन नहीं है ये मैंने ज़रूर कहा है ज़ुबान सीख डांस सीखने में मैंने बहुत कम बात अगर कहीं की है तो शायद एक आधा फिक्रा कभी कहीं कह दिया हो और वो भी सरसरी फिक्र हाँ जो बुराइयाँ हैं उनको मैंने ज़रूर हाई लाइट किया है कि ये बुराइयाँ करने से मतलब ये नहीं है कि मैं नंगा होकर फिरना शुरू कर दूँ या औरतों के साथ डांस करना शुरू कर दूँ या शराब पीना शुरू कर दूँ तो मैं इंटीग्रेट हो गया ये तो खुद अब मानने लगे हैं अब तो इनकी रिसर्च खुद अपनी आ गई है कि पहले कहते थे हफ्ते में एक दिन शराब पीने से कुछ नहीं होता अब ये कहते हैं नई रिसर्च आई है कि शराब पीना ही इंसान के लिए तबाही है इस पर खुद लोग ये रिसर्च करने लग गए हैं पहले कहते थे मर्द औरत इकट्ठे हो जाएं कुछ नहीं अब औरतों ने शोर में जाना शुरू कर दिया हमें ये इस किस्म की इंटीग्रेशन नहीं चाहिए हमें ललता है हमें चाहिए हमारे तो हक मारने लग गए हैं मर्द मर्द औरत बन के औरतों में आ गया तो औरतों ने शोर में चाह दिया हमने कोई नहीं अब शामिल करना उन्होंने कहा हमारे हो, स्टूडनामेंट होंगे होंगे हैं उन्होंने अपने क़िला भीदा बनाने शुरू कर दिए हैं बाद जर्मनी में भी ऐसे हैं यूके में भी ऐसे हैं तो ये ऐसी बातें जो बुराइयाँ पैदा कर सकती हैं और जो कानून कुदरत के ख़िलाफ़ हैं वो खुद इनके अंदर पैदा हो रही हैं और अगले दस बीस पच्चीस साल में और इनको एहसास हो जाएगा या इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी या ये बुराइयाँ छोड़ देंगे इसलिए आप अपना काम आराम से किए जाएं और ख़ामोशी से प्यार से समझा के करते जाएं और हर दफ़ा जो मौका आपको मिलता है किसी ना किसी बात का वहाँ अगर आप नेक नीयती से इस नीयत से कायम है कि मैंने फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करना है तो कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला सुझा देता है और जवाब भी आपको सुझा देगा कि किस तरह इसका इस सिचुएशन में जवाब देना है अल्लाह को राज़ी करो बाकी सब राज़ी हो जाएंगे ठीक ठीक है चलो अस्सलाम वालेकुम What?